हेलो सर गाइस, होस्ट ऑफ द बैक विद अ न्यू वीडियो। आज अब हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में। वेल, यस बैंक से पहले मुझे बहुत से लोग यहाँ पर पूछते रहते हैं कि भाई आजकल इलन मस्क काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तुम भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो हम कैसे करें। तो आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन है डेल्टा एक्सचेंज, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके थ्रू आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, उनके फ्यूचर ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। आपको वहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100 का लीवरेज तक मिलता है। तो यहाँ पर इलन मस्क ने ट्वीट कर दिया एंड देयर यू गो एंड बाय। तो वेल, यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं एंड आपको डिपॉजिट के ऊपर, एज कंपेयर टू डिपॉजिट, आपको यहाँ पर अप टू 7,000 रुपीज़ यानी $100 तक का यहाँ पर डिपॉजिट बोनस तक मिल सकता है जैसे आप इसमें डिपॉजिट करते हो। तो सो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको बाय करनी है एज वेल एज आपको स्टॉक मार्केट की तरह अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी है, उसके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, तो डेल्टा एक्सचेंज आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाके इसे बाय कर सकते हो। ओके, वेल स्टार्ट करते हैं हम यस बैंक के बारे में। हम यस बैंक के देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर एक थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर मोमेंटम दिखाया था इसने अपने रिजल्ट्स के बाद, बट अभी वापस ये बाउंस बैक कर गया है। तो रिजल्ट्स के टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था यहाँ पर यस बैंक में जो इशू हुआ था, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हिडन जो NPAs है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जो एक्चुअली में बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा बेरिश यहाँ पर मोमेंटम आया था। बट आफ्टर बजट यहाँ पर हमें देख सकते हैं यस बैंक काफ़ी वापस ऊपर चला गया। क्यों? बजट में यस बैंक के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी एक बात है वो की गई कि इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर काम किया जाएगा। बजट में डायरेक्टली यस बैंक का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा है कि जो भी बैंक्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यूजुअली PSU बैंक्स में एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स, तो यहाँ पर उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा क्योंकि उसके वजह से इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी बुरा असर हो रहा है। तो बजट में ये बात बोली गई है तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा ही, एंड ये बात पहले से भी चलती आ रही है। अब जब जो यस बैंक से अपडेट है उन्हें ये बात पता है कि बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई गई थी पहले भी, अभी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पर हायर किया जाएगा यहाँ पर अगले टाइम पीरियड में, ताकि जो असेट्स इसके जो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट था जिसकी वजह से ही गिरा था, वो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नल एंड वॉइड हो सकता है। अगर यहाँ पर जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अगर ये हायर करे और उसके ऊपर काम करे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी एंड कोई भी यहाँ पर इशू नहीं रहेगा। जैसे हमने देखते आ रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड में कि जो क्वार्टर्स है तो उन क्वार्टर्स में भी हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू अगर मार्च क्वार्टर देखें जो मार्च 20 का, वहाँ पर ये लॉस है एक्चुअली, यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है बट एक्चुअली में ये लॉस है। 3,000 करोड़ रुपीज़ का एक लॉस है यहाँ पर, जो राइट ऑफ किया गया था एक्चुअली जो बॉन्ड्स है उसके वजह से यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, बट एक्चुअल अगर मैं देखे तो यहाँ पर ये लॉस है 3,000 करोड़ का। बट उसके बाद असली यहाँ पर प्रॉफिट शुरू होता है जून, सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर्स में हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स सा देखने को मिला है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। दिसंबर क्वार्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक भरोसेमंद दिखा क्योंकि उसमें प्रॉफिट देखने को मिले एंड जो यहाँ पर हमें लॉसेस देखने को मिले हैं एक्चुअली में जो पूरे 2020 फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पीरियड के वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था एंड ऑब्वियसली आगे चल के जो अगला ईयर आएगा उसमें हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। सो जो अगला ईयर है अगर उसमें क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, प्रॉफिट्स अच्छे खासे देखने को मिले, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई इशू है एज इन बैंक में कि यहाँ पर हम इसे होल्ड ना करें। दूसरा कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर, ऐसा नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है कि हम बैंक को यहाँ पर होल्ड ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो बुरी चीज़ें थी वो यहाँ पर धीरे धीरे करके निकल रही है। बैंक रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, बैंक इज़ एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर बुराई किस बात में है? किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। बस अभी ये है कि इसका जो रिजल्ट्स है वो बस अच्छे आ रहे हैं एंड वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम इन यस बैंक।
कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद येस बैंक में देखने को मिले, अनलेस एंड अंटिल और कुछ फ्रॉड हो जाए तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो कम्प्लीटली अभी दूसरों के हाथ में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कैन प्रेडिक्ट थिंग्स जो कि जैसे चल रही है वैसे, अगर ये ऐसे ही जो जिस स्पेस में या पर ये काम कर रहा है, जिस स्पेस में ये एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बना है ये बहुत बड़ी बात है, तो प्रॉफिटेबल बना है, आगे चल के भी और शायद ये प्रॉफिट कमाए, तो अगर आने वाले टाइम पीरियड में यही कंटिन्यूटी रही जो अभी है, यही कंटिन्यूटी रही, अगर और एडअप नहीं हुई है, अगर एडअप नहीं हुआ है जो भी NPAs है और एडअप नहीं हुआ, तो यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर हमें अच्छे खासे लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है कुछ टाइम पीरियड में अभी यहाँ पर, एंड अभी ये जो इस पीरियड से निकल सकता है, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है यहाँ पर इसका, इससे ये अभी बाहर निकल सकता है। सो हमें ये भी एक पॉजिटिव बात मुझे लग रही है कि दिस कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन। सो अगर यहाँ से जोन में निकल गया तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा बैंक को, यहाँ पर और भी हमें श्योरिटी मिल जाएगी, एंड एक्चुअली एज कंपेयर्ड टू द करंट रिजल्ट्स दिस एक्चुअली बिलोंग्स अप। ये एक्चुअली यहाँ पर ऑलमोस्ट 19, 20, 21, 22 के लेवल पर होना चाहिए एज कर जो करंट प्रॉफिट आया है। बट जो न्यूज़ आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, जो यहाँ पर NPAs की थी, उसके वजह से ही गिरा था। बट करंटली एज जैसे हम यहाँ पर रिजल्ट्स देखे, इट एक्चुअली डिजर्व्स टू बी अप। तो अगर वो इशू नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट वाला, जो भी NPAs है वो अगर नहीं रहेगा, जो ऑब्वियसली शायद अभी क्लीन अप कर रहे हैं, एंड वो रिकंस्ट्रक्ट कंपनी को हायर करने के बाद जो क्लीन अप हो भी जाएगा, वैसा होते ही यहाँ पर आई थिंक दिस कैन गो वेरी फर्दर, ये बहुत आगे तक जा सकता है। तो मेरा एक ही यहाँ पर आपको राय रहेगी कि होल्ड करो, जस्ट होल्ड करो, आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग बहुत यहाँ पर इसमें टेंस हो रहे हैं। एंड आई एक्चुअली लगता भी है कि यूजुअली जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं बैंक, यहाँ पर स्टॉक गिरता है, सबको बुरा लगता है, बट एक्चुअली आप में यहाँ को आपको बस होल्ड एंड वॉच करना है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए किया है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो। ओके, आई वीडियो आपसे पसंद आ चुकी होगी, इट्स अ होस्ट।